नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री गुरु चरण पर। दोस्तों, आज के राशिफल कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज है 21 दिसंबर 2020 और दिन है सोमवार का। यह दैनिक राशिफल चंद्रग्रह की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्य फल बताया जाता है। इस राशिफल के कार्यक्रम को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। इस राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्य फल बताया जाता है। आज का सुविचार, मधुर वाणी बोलना एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं। अपने खराब मूड के समय बुरे शब्द ना बोलें, क्योंकि खराब मूड को बदलने के बहुत से मौके मिलेंगे, पर अपने शब्दों को बदलने के नहीं। दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ सबसे पहले मेरी तरफ से जिनका आज बर्थडे है या एनिवर्सरी है, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। दोस्तों, आज है विक्रमी संवत 2077, मास अमांत है मार्गशीर्ष, मास पूर्णिमांत है मार्गशीर्ष। पक्ष रहेगा हमारा शुक्ल पक्ष और वार है सोमवार। तिथि रहेगी सप्तमी शाम को 4:14 तक और उसके आगे रहेगी अष्टमी तिथि। नक्षत्र रहेगा पूर्व भाद्रपद सुबह 11:03 तक और उसके आगे रहेगा उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। योग रहेगा हमारा सिद्धि दोपहर को 11:52 तक और उसके बाद आ जाएगा व्यतिपात योग। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:10 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 5:29 पर। दिक ऋतु हेमंत रहेगी, वैदिक ऋतु हेमंत रहेगी। राहुकाल का समय रहेगा सुबह 8:27 से सुबह के 9:45 तक और इस काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। शुभ समय रहेगा 11:59 से 12:40 तक दोपहर के। दिशाशूल पूर्व की ओर है। अगर इस ओर आप यात्रा कर रहे हैं तो खीर खाकर यात्रा करें, आपकी यात्रा शुभ होगी। अशुभ समय, यमगंज का समय रहेगा सुबह 11:02 से 12:19 तक। कुलिकाल का समय रहेगा दोपहर को 1:37 से 2:54 तक। दुमुहूर्त का समय रहेगा, पहला रहेगा दोपहर को 12:40 से 1:21 तक और दूसरा भी दोपहर में ही है 2:44 से 3:25 तक। तो चलिए मित्रों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी हो मन में वो सपना ना तोड़ना, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। दोस्तों, इन्हीं लाइनों के साथ आज का राशिफल जान लेते हैं, क्या कहता है आपका राशिफल और क्या कहते हैं आपके सितारे। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर कोई इम्पोर्टेंट वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी और आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित अंजाम देने में सक्षम रहेंगे। व्यर्थ के कार्यों में कुछ समय व्यतीत होगा, इस कारण से आप अपने फाइनेंशियल योजनाओं पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, इसीलिए सावधानी पूर्वक अपने कामों पर ध्यान दें। कार्य क्षेत्र में काम की दबाव की वजह से तनाव महसूस करेंगे, लेकिन जल्दी ही इन समस्याओं का निवारण भी हो जाएगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े बिजनेस में फायदेमंद स्थितियां बन रही हैं। नौकरी पेशा लोगों को भी पदोन्नति के उचित अवसर मिलेंगे। काम से संबंधित बातों की सूची बनाकर किस काम को पहले खत्म करना है यह तय करके ही आप आगे बढ़ें तो आपके लिए अच्छा होगा। विवाहित संबंधों में गलतफहमियों को लेकर कुछ तकरार उत्पन्न हो सकती है, अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार रहें। व्यर्थ के प्रेम संबंधों से दूरियां ही बनाकर रखें। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, सिर्फ अत्यधिक तनाव के कारणों से अपना बचाव करें। आज आपका भाग्य अंक होगा 6, शुभ रंग आपका लाल होगा। आज आप भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाएं, आपके लिए लाभकारी होगा। वृष राशि।
वृष राशि के जातकों की दिन की शुरुआत में कुछ मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ सकता है, परंतु आप अपने आत्मविश्वास व दृढ़ निश्चय द्वारा उनका समाधान आसानी से ढूंढ लेंगे। धार्मिक कार्यक्रम में जाने का आपको अवसर प्राप्त होगा और आपका पॉजिटिव दृष्टिकोण आपके व्यक्तित्व में अधिक प्रभावशाली आपको बनाकर रखेगा। अनावश्यक खर्चों की स्थिति बनी हुई है, अपने बजट का ध्यान अवश्य रखें। किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको चिंता रहेगी। विद्यार्थियों को कंपटीशन संबंधी पढ़ाई में और अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी। ग्लैमर, कला, सौंदर्य प्रसाधन आदि से जुड़े व्यवसाय में आपको मन मुताबिक उपलब्धियां हासिल होंगी, परंतु कर्मचारियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखना आपके लिए जरूरी होगा। काम से संबंधित मिली जिम्मेदारी की वजह से आपका जन परिचय बढ़ सकता है। पति पत्नी के बीच भावनात्मक संबंध मधुर रहेंगे। प्रेम संबंधों को पारिवारिक स्वीकृति मिलने से उमंग और खुशी भरा माहौल रहेगा। आज आपको एसिडिटी और छाती में जलन जैसी दिक्कतें रहेंगी, इसलिए अपना आयुर्वेदिक इलाज लें। आज आपका भाग्य अंक होगा 1, शुभ रंग आपका सफेद होगा और आज आप भगवान शिव को शीतल जल चढ़ाएं, आपके लिए लाभकारी होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए ग्रह दशा आत्मविश्वास व कार्यक्षमता को और अधिक बल दे रहा है। आज आप किसी मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी आपके लिए संभव है तथा किसी सामाजिक उत्सव में आपको सम्मानित होने का अवसर भी मिल सकता है। किसी वजह से आप अपने ही नुकसान का कारण बनेंगे, इसीलिए वक्त के अनुसार अपने व्यवहार में लचीलापन बनाकर रखें। नज़दीकी मित्र या भाई के साथ छोटी सी बात का बहुत बड़ा इशू आपके साथ बन सकता है। संबंधों को खराब होने से बचाना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। इस समय आयात निर्यात संबंधी व्यवसाय में कुछ नुकसान होने की स्थितियां बन रही हैं, इसीलिए अभी निवेश ना करें और सावधानी बरतें। किसी भी व्यवसायिक यात्रा को अभी पोस्टपोन रखें तो आपके लिए उचित रहेगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों को विदेश संबंधी कोई उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। पति पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे और आपका भी घर और व्यवसाय में उचित सामंजस्य बनाकर रखना परिस्थितियों को और बेहतर बनाएगा। आज आपको एसिडिटी व कब्ज जैसी शिकायतें रहेंगी, इसलिए तरल पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपका भाग्य अंक होगा 4, शुभ रंग आपका हल्का गुलाबी होगा यानी कि लाइट पिंक होगा और आज आप सफेद वस्तुओं का दान करें, आपके लिए लाभकारी होगा। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों की दिन की शुरुआत बहुत ही बेहतरीन तरीके से होने वाली है। आपके प्रति कुछ नया करने की इच्छा भी पूर्ण होगी और भाग्य का सितारा आपको प्रबल करेगा। आप अपने कार्यों के प्रति उत्साह आपको अवश्य ही सफल बनाएगा। आज आपके किसी प्रियजन से भी आपकी मुलाकात हो सकती है। जल्दबाजी में कोई गलत फैसला लेने से दिक्कतें आएंगी। ज्यादा रोक टोक की वजह से बच्चे विद्रोही हो सकते हैं, इसीलिए अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से रखना आपके लिए जरूरी होगा। युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे जिससे उनका आत्मविश्वास और अधिक बढ़ेगा। इस समय साझेदारी के व्यवसाय संबंधी निर्णय लेना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में ज्यादा ध्यान देंगे। काम से संबंधित तकलीफें दूर होंगी। छोटी सी गलतफहमी पति पत्नी के संबंधों में तनाव उत्पन्न करेगी, परंतु आपसी सूझबूझ से समस्या हल भी हो जाएगी। किसी भी समय मानसिक तनाव बढ़ सकता है, शांत रहने का प्रयास करें तथा मेडिटेशन में कुछ समय व्यतीत करें। आज आपका भाग्य अंक होगा 1, शुभ रंग आपका सिल्वर होगा। आज आप भगवान शिव को श्वेत अर्घ पुष्प अर्पित करें, आपके लिए लाभकारी होगा। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए ग्रह स्थितियां अनुकूल हैं। आप अपने कार्यों को बेहतरीन तरीके से प्रारूप देने में सक्षम रहेंगे। किसी नजदीकी व्यक्ति से मुलाकात होगी तथा महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार विमर्श होगा। आर्थिक धार्मिक संस्था में सेवा संबंधी कार्यों में उचित समय आपका व्यतीत होगा। किसी भी सरकारी कार्य को लापरवाही की वजह से अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि किसी तरह की पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है और आपका धन भी रुक सकता है। आज आपको पैतृक संबंधी मामलों और अधिक उलझाने की आशंका लग रही है। दूसरों के व्यक्तिगत कार्यों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप आप ना करें। व्यवसाय में आपके द्वारा किए गए नए प्रयोग फायदेमंद साबित होंगे। आपको अपने काम के प्रति मेहनत के
बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। नए काम से संबंधित योजना सफलतापूर्वक बनेगी। जीवन साथी का सहयोग आपके लिए बहुत ही सुकूनदायक रहेगा तथा आपसी संबंधों में और मधुरता आएगी। व्यर्थ के प्रेम संबंधों से आप दूर रहें। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, परंतु अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखने के लिए दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। आज आपका भाग्यांक होगा 6, शुभ रंग आपका स्लेटी होगा और आज आप भगवान शिव का अभिषेक करें, आपके लिए लाभकारी होगा। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए समय, भाग्य और परिस्थितियां दोनों ही बेहतरीन चल रही हैं। सामाजिक तथा व्यवसायिक दोनों जगह आपका दबदबा तथा वर्चस्व बना रहेगा। किसी भी परिस्थिति में आप अपना काम निकलवाने में भी सक्षम रहेंगे। प्रॉपर्टी संबंधी खरीद फरोख्त के कार्य बहुत ही सावधानी से करें, क्योंकि इन सभी कार्यों के लिए आपके लिए परिस्थितियां अभी अनुकूल नहीं हैं। अनावश्यक खर्चे भी आपके सामने आएंगे। अगर विदेश संबंधी कोई योजना बन रही है तो उसे अभी पोस्टपोन रखना आपके लिए उचित रहेगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कामों में किसी तरह का नुकसान होने की आशंकाएं लग रही हैं। इस समय उचित सावधानी बरतना आपके लिए जरूरी होगा। अपने किसी भी कार्य में घर के अनुभवी तथा वरिष्ठ सदस्यों की सलाह अवश्य ही लें तो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। किसी मित्र की वजह से घर में कुछ नकारात्मक वातावरण बन सकता है, इस बात का ध्यान रखें। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, परंतु आपकी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना आपके लिए जरूरी होगा। आज आपका भाग्य अंक होगा 2, शुभ रंग आपका सफेद होगा। आज आप गाय को गुड़ खिलाएं, आपके लिए लाभकारी होगा। तुला राशि। तुला राशि के जातक किसी संपर्क द्वारा महत्वपूर्ण समाचार प्राप्त करेंगे, जो कि उनके भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति काफी बेहतर हो सकती है। आप किसी से उधार धन न लें और जिन लोगों को दिया है उन लोगों से प्रयास करें कि आपका धन वापस आ जाए। लेन देन के चक्कर में आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए थोड़े से सावधान रहें। आज कार्य क्षेत्र में कुछ खास लोगों के साथ आपकी फायदेमंद मीटिंग हो सकती है, जिससे आपको बड़े ऑर्डर प्राप्त होंगे, परंतु काम को समय पर पूरा करना आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है। सरकारी सेवारत व्यक्तियों पर भी कोई इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी आ सकती है। फाइनेंस क्षेत्र के व्यक्ति आज प्रगति देख पाएंगे। घर में उचित समय ना दे पाने की वजह से जीवन साथी की आपको नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है। संबंधों को ठीक करने के लिए उन्हें कुछ उपहार आप दे सकते हैं तथा मनोरंजन संबंधी प्रोग्राम भी अवश्य बनाएं। इस समय ब्लड प्रेशर तथा डायबिटीज संबंधी जांच अवश्य करवाएं। योग और व्यायाम का भी अपनी दिनचर्या में शामिल अवश्य ही करें। आज आपका भाग्य अंक होगा 5, शुभ रंग आपका आसमानी होगा और आज आप भगवान शिव को गाय का कच्चा दूध चढ़ाएं, आपके लिए लाभकारी होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातक अचानक ही किसी इम्पोर्टेंट व्यक्ति से मुलाकात करेंगे तथा उनके मार्गदर्शन से आपकी कई मुश्किलों का निवारण होगा। रुचिपूर्ण तथा ज्ञानवर्धक साहित्य को पढ़ने में भी आप समय व्यतीत करेंगे। पुराने मित्रों के साथ मेलजोल आपको खुशनुमा यादें ताजा करवाएगा। किसी निकट संबंधी के स्वास्थ्य को लेकर आपको परेशानी होगी और दिखावे के चक्कर में आपको कर्ज भी लेना पड़ सकता है, इसीलिए प्रयास करें कि किसी से आपको कर्ज ना लेना पड़े और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का आप प्रयास करें। करियर से जुड़ी समस्याएं काफी हद तक खत्म हो सकती हैं। आप अपनी व्यवहार कुशलता से नेगेटिव परिस्थितियों पर काबू पा लेंगे। नौकरी में टारगेट पूरा ना होने की वजह से बॉस व अधिकारियों की डांट फटकार आपको सुननी पड़ सकती है। आपके मन जैसा काम मिलने की वजह से आपकी पॉजिटिव आप महसूस कर सकते हैं। बच्चों की किसी समस्या को लेकर आपको चिंता रहेगी, बेहतर होगा कि आपसी सूझबूझ से समस्या का हल निकालें। स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको अत्यधिक काम की वजह से सर्वाइकल तथा गर्दन में दर्द जैसी समस्या रहेगी। व्यायाम में कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। आज आपका भाग्य अंक होगा 9, शुभ रंग आपका क्रीम कलर होगा और आज आप तीर्थ जल से हल्दी मिलाकर स्नान करें, आपके लिए लाभकारी होगा। धनुराशि। धनुराशि के जातक अपने व्यक्तित्व व रहन सहन के प्रति अधिक सजग रहना व मित्रों सहयोगियों के बीच आकर्षण का कारण बनेंगे।
समाज में आपकी छवि और अधिक निखरेगी तथा जीवन साथी के प्रति आपका सकारात्मक दृष्टिकोण आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाकर रखेगा। इस समय धन से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन देन में सावधानी रखें, साथ ही धोखा हो सकता है और आप किसी आर्थिक परेशानी में उलझ जाएंगे। बिजनेस में आप अपने काम की क्वालिटी को अधिक बेहतर बनाने में ध्यान दें, क्योंकि कोई इम्पोर्टेंट ऑर्डर मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। महत्वपूर्ण काम में आज देरी हो सकती है, तो संयम बनाकर आगे बढ़ें। अपने व्यस्ततम समय में से परिवार के लिए भी कुछ समय निकालना आपसी संबंधों को मधुर बनाएगा तथा परिवार में खुशहाली भरा वातावरण रहेगा। आज आपका स्वास्थ्य वर्धक उत्तम रहेगा। किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, परंतु लापरवाही भी बरतना आपके लिए उचित नहीं होगा। आज आपका भाग्य अंक होगा 4, शुभ रंग आपका केसरिया होगा और आज आप भगवान शिव को दूध से स्नान करवाएं, आपके लिए लाभकारी होगा। मकर राशि। मकर राशि के जातक भावनाओं की बजाय चतुराई और विवेक से काम लें, परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी। बच्चे की किलकारी से संबंधित आपको कोई शुभ सूचना मिलने से आपके घर में उत्सव भरा वातावरण रहेगा, साथ ही किसी अटके हुए काम को पूरा करने का आपको उचित समय मिलेगा। आप किसी भी योजना को बनाने से पहले उस पर भली भांति विचार अवश्य करें, बेहतर होगा कि घर के सदस्यों की सलाह आप जरूर लें और पैसे के मामले में किसी पर भी विश्वास ना करें। व्यवसायिक गतिविधियां धीरे धीरे बेहतर होंगी, थोड़ी सी परेशानियां आएंगी, परंतु सावधानी रखने से आपके कार्य निर्विघ्न पूरे हो जाएंगे। काम को वक्त पर पूरा ना करने की वजह से आपके ऊपर तनाव रह सकता है। जीवन साथी के साथ उचित तालमेल बिठाकर रखने के लिए आपका सहयोग आवश्यक होगा। आज आपको खांसी जुकाम बुखार जैसी परेशानियां रहेंगी, लापरवाही ना करें, इनका उचित इलाज लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपका भाग्य अंक होगा 7, शुभ रंग आपका गोल्डन होगा और आज आप भगवान शिव का अर्चन करें, आपके लिए लाभकारी होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातक अपने घर में नवीनीकरण अथवा रखरखाव संबंधी योजनाओं पर विचार करेंगे और किसी सामाजिक गतिविधि में आपका इम्पोर्टेंट योगदान होने से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आप घर या वाहन से संबंधित खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं, तो उसके लिए समय अभी अनुकूल है। आपके विचारों में वहम और संकीर्णता जैसी नेगेटिव बातें परिवार के लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं, इसीलिए अपनी आर्थिक स्थिति और अपने आत्मीयजनों से अच्छा तालमेल बनाए रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में कुछ खास फैसले लेने में दिक्कत महसूस होगी, बेहतर होगा कि कुछ भी नया शुरू करने की अपेक्षा अभी वर्तमान पर अपना ध्यान लगाएं। आपके साथ काम करने वालों पर जरूरत से अधिक विश्वास दिखाकर आप काम से संबंधित बातें उनको ना बताएं। पारिवारिक वातावरण सुखमय बना रहेगा तथा घर के सभी सदस्य आपस में प्रफुल्लित तथा खुश रहेंगे। इस समय आपको एलर्जी व खांसी जुकाम की स्थिति रहेगी, लापरवाही ना बरतें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज आपका भाग्य अंक होगा 9, शुभ रंग आपका हल्का सफेद होगा। आज आप भगवान शिव को शमी पत्र चढ़ाएं, आपके लिए लाभकारी रहेगा। मीन राशि। मीन राशि के जातक परिवार के किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगे तथा बच्चों के भी उत्तम विचारों की वजह से उनकी सराहना होगी। भूमि संबंधी कार्यों में अगर निवेश करने की कोई प्लानिंग चल रही है, तो तुरंत उस पर अमल करें, परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। आप अपने स्वभाव तथा विचारों को सकारात्मक बनाकर रखें और धन को इन्वेस्ट करने के पहले शांतिपूर्वक उसका चिंतन करें, उसके बाद इन्वेस्ट करें तो आपको लाभ मिलेगा। बिजनेस में लेन देन के समय पक्के बिल का इस्तेमाल करें, क्योंकि किसी भी तरह की इंक्वायरी की आशंकाएं बन रही हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों को और मेहनत करनी पड़ सकती है। पति पत्नी दोनों ही व्यस्तता की वजह से घर पर समय नहीं दे पाएंगे, परंतु घर का माहौल खुशहाल बना रहेगा और इसके लिए आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। आज आपको अत्यधिक काम की वजह से स्वभाव में चिड़चिड़ापन महसूस होगा, मेडिटेशन और योगा में अपना समय लगाएं, आपके लिए उचित रहेगा। आज आपका भाग्य अंक होगा 1, शुभ रंग आपका सफेद होगा और आज आप पक्षियों को दाना डालें, आपके लिए लाभकारी होगा।
मित्रों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में अपना सुझाव अवश्य दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय माता दी मित्रों।